ज्यादा करने की हो रही है, यानी कि उनको तुरंत ही दिल्ली जाना है। और मैंने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है, 230 से शेर 100 रुपए तक के जिसने बता दिया हो वो आपको अब क्या दिल का चीर के दिखाएगा सर। तो ध्यान कि जो बच्चे होते हैं ना, बाप उन्हें, माँ उन्हें बहुत प्यार करती है, लेकिन कभी कभी आपने देखो बच्चे नाराज हो जाते हैं। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर TTML की, विकास लाइफ केयर की, वोडाफोन आइडिया की, अडानी ग्रुप की, और बात करेंगे सर सबकी नज़रों में जो आजकल शेयर आ रहा है, तेजी भी जल्दी पकड़ सकता है, उसका नाम है IDBI बैंक, उसके अंदर भी हम आज बात करेंगे। इन सब की बात करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं मैं कि जो बच्चे होते हैं ना, बाप उन्हें, माँ उन्हें बहुत प्यार करती है, लेकिन कभी कभी आपने देखो बच्चे नाराज हो जाते हैं। आप अपने बच्चों को कहीं घुमाने ले गए, निरंतर ले जाते होंगे, एक बार आपने नागा कर दिया ना, बच्चे नाराज हो जाते हैं, बस वो सब भूल जाते हैं, आप नहीं ले गए पापा, ये क्या कर दिया, वो मैं नहीं जाऊंगा, मैं आपसे बात नहीं करूंगा, आप मुझे लेके नहीं चले गए। तो इस तरह से तो सर जब बच्चे ही नहीं मानते तो शेयरों में नज़र रखने वाले कैसे मानेंगे जब उनको असलियत पता ही नहीं होती। एक बात मैं आपको बताऊं सर, मेरा एक दोस्त है, उसने किसी को 300 रुपए दिए हैं, मान लो उसने किसी को 300 रुपए दिए हैं, और उसने मेरे से पूछा यार वो मेरे 300 रुपए वापस ही नहीं कर रहा है यार। मैंने कहा यार तूने गलत पैसे दे दिए, वो वापस नहीं करेगा, अभी उसके पास काम धंधा नहीं है, उस हिसाब से काम नहीं चल रहा उसका, भाई वो वापस नहीं करेगा। होता क्या है सर, एक दिन उसने 20 रुपए दे दिए, भाई ले पकड़ भाई 20 रुपए पकड़। तो वो मेरा जो दोस्त था वो कह रहा तुम तो मना कर रहे देने का नहीं, उसने मुझे 20 रुपए दे दिए हैं। वो खुश हो गया, वो भूल गया कि भाई अभी तो पिक्चर बाकी है। बात समझ में आ रही है सर, किस किस को आ रही है, मैं फिर बताता हूँ। जब TTML 290 पर था, 230 पर जब हमने वीडियो बनाई है और वो 100 रुपए तक भी पहुंचा है, तो वहां पर आपको किस चीज की तसल्ली अब कराऊं मैं कि 130 का जब मैंने आपको गैप बता दिया है, और एकदम मैंने कहा था कि मैं इसके लिए वीडियो बनाऊंगा, शुक्रवार के दिन मैंने बोला कि मंडे के दिन मैं एक वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर, मैंने मंडे के दिन वीडियो बनाई नहीं है, और मैंने शुक्रवार के दिन मैंने कहा था कि गिरावट होगी इसके अंदर मंडे के दिन, तो मंडे के दिन भी गिरावट हुई है, लेकिन मैंने वीडियो बनाई नहीं थी। अब मैं तो वहीं खत्म हो गई मेरी कहानी सर, लेकिन किसी ने मुझे कमेंट किया सर मैंने स्टॉप लॉस 90 का लगाया था, वो टच कर दिया, या आप तो गलत बता रहे थे, वो बता रहे थे, वो सब भूल गया कि 230 से मैं यहाँ पर लाया था। वही बात हो रही है सर, ये एक दिन उसने आपको उछाल कर 20-25-18 रुपए दिखा दिए, तो कुछ नादान लोग मचल गए मेरे सर, बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही मार्केट आपको, फिर आई नहीं रही, कौन आपको कैसे यकीन दिलाएगा, 230 से शेयर 100 रुपए तक के जिसने बता दिया हो वो आपको अब क्या दिल का चीर के दिखाएगा सर। तो ध्यान रखिए सर, TTML में थोड़ा वो काम होने दीजिए जो इसके अंदर तेजी की चीज ला रही है। कोई भी इसके अंदर स्टेक ले रहा हो अच्छी बात है, लेकिन एक चीज ये भी समझनी चाहिए कि इसके अंदर AGR ड्यू है, उसकी भी एक बीच में न्यूज आई थी, वो भी इफेक्ट डालेगी, और आगे जाकर जो जो चीज़ें इसके अंदर भी घाटे में कंपनी चल रही है वो भी सारी बाहर निकल कर आएंगी। हो सकता है आपको 3-4 दिन लगातार अपर सर्किट भी ये मार दे, फिर ये 200-250 तक पहुंच जाए, तो फिर इसमें मचलना नहीं है आपको कि भाई ये तो गलत हो गया हमारे साथ। गलत नहीं होता आपके साथ, हम गलत उसको ले लेते हैं। 18 रुपये याद है आपको और 130 भूल गए हम, 130 ज़्यादा होते हैं, 18 रुपये ज़्यादा होते हैं, समझो सर। एक कमेंट आया था, थोड़ा सा दिल पे लग गई थी बात, और ना मैं किसी को खरीदने किसी को बेचने के लिए बोल रहा हूँ सर, सब आपको अपनी मर्जी से करना है, सिचुएशन देखनी है। एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ कि अगर आपने इस तरीके से काम किया ना सर कि आपने कुछ चीज़ बेचकर बैठ गए और वो अगले दिन 5-7 रुपये बढ़ गया, जिंदगी भर पैसा नहीं कमा सकते आप, संचय में रहोगे। डिसीजन को पक्के कीजिए सर, एक हाथ से निकला तो दूसरा भी आता है, ये भी ध्यान रखना। अब एक में अफसोस मनाओगे ना तो 99% आप धोखा खाओगे, मैं आपको एक बात बता दूं सर। बात करेंगे अडानी ग्रुप की, और अडानी ग्रुप की इसलिए भी बात करें, बीते दिन मैंने आपको कहा था कि पावर ग्रिड जो है स्मार्ट मीटर पे अपना दिमाग लगा रही है, इसकी वजह से पावर के सेक्टरों में आने वाले दिनों में तेजी के संकेत आपको देखने को मिलेंगे। ये बीते दिन आपको मैंने बताया था ना सर, अब अडानी इलेक्ट्रिसिटी ने क्या काम कर दिया, अडानी ग्रुप ने क्या काम ऐसा कर दिया जिसकी वजह से उन्होंने भी 500 करोड़ रुपए निवेश करने का मन बना लिया है स्मार्ट मीटर लगाने के लिए। कहां पर सर, मुंबई में बना लिया है, और वो पहले चरण में यानी 7 लाख उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर लगा कर दे देंगे,
और 20 लाख उपभोक्ताओं को 2025 के अंत तक लगा देंगे। एक दिशा मिल गई ना सर कि दो साल तक आपको जो पावर में जिस तरीके से प्रॉब्लम हो रही थी अब वो सुधरने वाली है, और अब अगले दो साल आपको पावर में जब बिजली देगी और उस बिजली का पैसा वापस आएगा, उस मीटर तो स्मार्ट होते हैं, आपको आजकल इंसान ही स्मार्ट हो रहे हैं तो मीटर तो स्मार्ट होंगे सर। तो समझना चाहिए आपको कि जिस क्षेत्र में अडानी भी अब उतर गए हैं मीटर लगाने में, ये सिर्फ मुंबई में हुआ है, उसके बाद दिल्ली कलकत्ता ये घूमेगा। तो अब पता लगाइए वो कौन से शेयर हैं जो मीटर पर काम कर रहे हैं और पावर में तेजी आपको लाने वाले। ये पता लगाने की शुरुआत आपको अब करनी देनी चाहिए, क्योंकि दिशा जो होती है शुरू में पकड़ लेनी चाहिए। ये चीज़ अगर हम बाद में साल बाद दो साल बाद पकड़ेंगे ना, फिर हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो याद रखिए 500 करोड़ रुपए मुंबई में स्मार्ट मीटर लगाने के लिए अडानी जी उतर गए हैं, एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आ रही है सर। बात करते हैं विकास लाइफ केयर की, बात इसलिए भी करेंगे क्योंकि काफ़ी लोगों की जर्नी इससे ज़्यादा करने की हो रही है, यानी कि उनको तुरंत ही दिल्ली जाना है। और मैंने कहा था कि दिल्ली अभी दूर है, और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, शुरू में पहली वीडियो मैंने इसके अंदर बनाई थी और मैंने कहा कि ये वो शेयर है महीने की 32 तारीख जो कभी आती नहीं, लेकिन इसके अंदर जो काम हो रहे हैं, जिस तरीके से अपने व्यापार को बढ़ा रहे हैं, जिस तरीके से अपने को कर्जा मुक्त ये कर लेंगे, जिस तरीके से ग्रोथ पर ये जा रहे हैं, तो ये आने वाले दिनों में आपको अच्छे संकेत दिखा रहा है। जो भी चीज़ें इन्होंने ग्रोथ के लिए करनी थी सारी की सारी इन्होंने करने की प्रणाली बना ली है, और पैसा इकट्ठा करने की सारी प्रणाली बना रहे हैं, और अपने अखरोट और बादाम के बिजनेस में तेजी के साथ भी ये उतरने की एक संभावना उसके अंदर जता रहे हैं, और सारी चीज़ें इसके अंदर अच्छी है। बस शेयर प्राइस इसका नहीं बढ़ रहा है, इसलिए हमें शंका हो रही है कि जब सारी चीज़ अच्छी है तो क्यों नहीं शेयर प्राइस बढ़ रहा है। एक ऐसी चीज़ मैं आपको बताऊंगा, इसे आपको माइंड में सेट करना पड़ेगा। आपको जाना है दिल्ली, और दिल्ली से पहले 20-25 स्टॉपेज उसके अंदर आते हैं। आपको तुरंत दिल्ली जाना है, आपने टिकट खरीदा और टिकट खरीदते ही आप बैठ गए ट्रेन में, और आपसे पहले भी काफ़ी लोग उसके अंदर बैठे और काफ़ी लाइन में लग रहे हैं। एक व्यक्ति ऐसा है जो दो स्टॉपेज पार करते यानी थोड़ा सा शेर ऊपर जाते ही वो कहता है भाई मेरा सामान पीछे रह गया, मैं ज़्यादा पैसे दे रहा हूँ, वापस ले जाओ उसको। तो वो क्या करता है फिर ट्रेन दो स्टॉपेज के बाद वापस वो दिल्ली नहीं पहुंच पा रही है, कभी तीन स्टॉपेज पहुंच जाती है, कभी चार स्टॉपेज पहुंच जाते, फिर दोबारा नीचे की तरफ आ जाती है, और हम कह रहे हैं यार आगे क्यों नहीं जा रहा है ये, क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये इसके अंदर ऑपरेटर ज़्यादा है। जब आप खरीदने की तैयारी करते हैं वो पहले खरीद के बैठे होते हैं, जब आप और ऊपर जाने की तैयारी करते हैं वो वहाँ से बेच देते हैं, यानी आपका वो दिल्ली नहीं आ पा रही है। दिल्ली जरूर आएगी जब उनका मन करेगा नहीं बेचने का, तब दिल्ली इसके अंदर आएगी। ये छोटी सी बात नहीं है, इसे कहीं लिख लीजिए, और अगर आपने ये समझ लिया, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिस शेयर में सबकी नज़र है ना वो शेयर पनपेगा नहीं, उसके साथ आपको इस दिखाएगा ऊपर जाकर, फिर उसमें लोग घुसेंगे, फिर वो फिर दोबारा वहीं से वहीं वो स्टॉपेज से वापस आएगा। इन स्टॉपेज की बातें इसलिए बता देता हूँ, कुछ किसी को डायरेक्ट बता देना वो चल जाएगा, भाई वो आपने तो डायरेक्ट बता दीजिए, ये तो कुछ हो ही नहीं ना इसके अंदर। तो शेयर अच्छा है तो अब करना क्या है इसके अंदर, अब इसलिए करना है कि वो स्टॉपेज तो पता नहीं कब दिल्ली में पहुँचेगी, लेकिन हमें करना क्या है, जहाँ हमने लिया है दो तीन स्टॉपेज देखा 100 लिए हैं तो 70 निकालें, 30 उसके अंदर छोड़ें, इस तरीके से इस ट्रेन में बैठना पड़ेगा। ये तो तीन चार स्टॉपेज जाएगा वो कहेगा मेरा सामान पीछे रहेगा पैसे ज़्यादा वाला, भाई पैसे ज़्यादा दे रहा हूँ वापस लेके जाओ, फिर वापस शेयर नीचे आ जाएगा। तो एक खरीदने से शेयर ऊपर जाता है और बेचने से शेयर नीचे जाता है, दो चीज़ इसके अंदर चलती है, इसी में चीज़ होती है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा सर। और जब आपने ये सोच लिया कि मेरे अलावा मेरे भाई के पास भी शेयर हैं, मेरे मामा के पास भी शेयर हैं, उसके मामा के पास भी शेयर हैं, और सबके पास इसी कंपनी के शेयर हैं, तो भाई फिर जब करोड़पति तो फिर सारे बन जाएंगे, फिर सारे तो बनने ही नहीं सर करोड़पति, प्रधानमंत्री तो एक ही होता है, सारे तो करोड़ प्रधानमंत्री बनने ही नहीं सर। तो ये आपको समझना पड़ेगा, वो स्टॉपेज इसके अंदर अभी आया नहीं, और आपको अच्छा लगता है कि भाई ये जल्दी पहुंचेगा तो वो भी एक गलत चीज़ है, क्योंकि ये भी इतना भी नहीं सोचना है कि 5 रुपये में कोई होता है शेयर, ये फिर तो 10-20 रुपये में होता है, जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं, और इन्होंने खुद कहा कि अपने को अच्छा करेंगे ये आगे जाके, तो इसके अंदर फिर हमें कम शेयर के साथ बैठना पड़ेगा। तो बात करते हैं सर IDBI बैंक की, और बात इसलिए भी करेंगे क्योंकि सबसे पहले ये ही प्राइवेट होने की दिशा में चल रहा है। अब एक चीज़ और आपको बता दूँ, ये शेयर आपको तेजी फिर गिरावट एक महीने तक दिखाने वाला, ये आपको समझना पड़ेगा।
जिस तरीके से LIC और सरकार इसके अंदर बड़ा स्टेक लेकर बैठी है, करीब सरकार का इसके अंदर 45.48% का स्टेक है, तो वहीं LIC का इसके अंदर 49.24% का स्टेक है, यानी कि दोनों को दोनों ही सबसे बड़े प्रमोटर हैं इसके अंदर। और LIC अपना IPO ले आई, अब ज्यादा से ज्यादा वो अपने काम पे भी ध्यान लगाएगी, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर से वो जो अपने स्टेक को बेच रही उसके ऊपर बात चल रही है। सर एक बात आपको और बता दूं, जिस तरीके से आरबीआई और सेबी इसके अंदर जो लंबित मुद्दे हैं उसके ऊपर चर्चा बैंक के साथ करेगा, और जब वो चीज़ें सही हो जाएंगी तो उनको उम्मीद है बैंक को कि ये अगले महीने सितंबर में एंड में या शुरू में कभी भी एक ऐसा पत्र वहाँ से मिल सकता है कि हाँ शुरुआती तौर की बोलियाँ बुलाई जा सकती है। समझ रहे सर? तो शुरुआती तौर की बोलियाँ यानी कि फिर कई बोलियों में इसके अंदर वो चीज़ें होंगी जो इसको प्राइवेट करेंगी। तो एक जब प्रारंभिक बोल दी जाती है कि शुरुआती तौर, तो समझ लीजिए उसके बाद भी एक होगी या उसके बाद दो होगी, तीन होगी, तो वो अपने मन में सोच लीजिए। मैंने अपने घर के बोल के कहा कि मुझे आज बहुत भूख लग रही है, सबसे पहले मैं एक रोटी खाऊंगा, इसका मतलब मैं एक रोटी तो खाऊंगा नहीं, तो उसके बाद दो चार तीन चार तो खाऊंगा, मुझे भूख लग रही है। तो शुरुआती तौर पर जो बोली बुलाई जा रही है उसके ऊपर अभी RBI और SEBI लंबित मुद्दों पर बात करेंगे, ये कहना है, और उसके बाद ही इसके अंदर आपको बहुत तेजी के संकेत मिलेंगे। जब कोई बैंक प्राइवेट होता है और उसे खरीदने के लिए कई बोलियां भी बुलाई जाएंगी और कई रोड शो भी अमेरिका में कर चुका है बैंक, तो कहीं ना कहीं इसे देखते हुए आपको एक ये देखना निर्णय लेना है कि इसके अंदर प्राइवेट होना जरूर होगा, ये बैंक होगा, बाकी चाहे मुझे, लेकिन ये बैंक थोड़ा थोड़ा अपना जो स्टेक इसके अंदर से LIC और केंद्र सरकार अपना निकालेगी तो ये प्राइवेट की दिशा में जाएगा। और अब इसके अंदर आपको बड़े ही तेजी या उसके बाद थोड़े से गिरावट के मोड़, मतलब थोड़ा ऊपर नीचे बैंक अब आपको, मतलब सबकी नज़र अब इस बैंक में रहने वाली है, अब साफ सीधा बात यह है। तो इस बैंक को आपको अपनी नज़र में रखना चाहिए और देखना चाहिए कि वो लंबित मुद्दे कौन से हैं जो अब इसे भी और RBI इसके अंदर चर्चा करेगा। तो बात करते हैं सर वोडाफोन आइडिया की, और वोडाफोन आइडिया की बात इसलिए करेंगे क्योंकि शेयर धारकों ने जो कल मीटिंग थी उसमें मंजूरी दे दी, अक्षय मुद्रा को CEO बना दिया है और रविंदर ठक्कर जी को नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का पद सौंपने की मंजूरी उनको दे दी है। अक्षय मुद्रा जी ने इसके अंदर तब अपना पद संभाला है जब कंपनी में 2,00,000 करोड़ का कर्जा है। ये एक न्यूज निकल कर आ रही है, थोड़ा सा इफेक्ट डालती है इस न्यूज भी। सर आपको एक चीज मैं बता दूं कि इसमें लोग पूछ रहे हैं कि ये 5G कब लॉन्च करेगा, तो अक्षय मुद्रा ने बताया कि सर 5G गियर की खरीद के लिए विभिन्न विक्रेताओं से बात कर रहे हैं और बैंकों से फंडिंग के लिए भी उनकी बातें जारी हो रही है, यानी कि इन दोनों के बाद काम के बाद ही 5G की डेट बताई जाएगी। कल भी एक वीडियो मैंने आपको बताई थी जिसमें मैंने ये न्यूज़ आपको बता दी थी। ये बात मैं आपको बता दूं, उन्होंने कहा है कि जब तक के वो ये दो काम नहीं करेगी, यानी कि वो 5G गियर की खरीद के लिए विभिन्न विक्रेताओं से बात पूरा ना हो जाए और बैंकों से फंडिंग की बात पूरी ना हो जाए उसके बाद ही वो अपनी डेट लाएगी। लेकिन अगर इसको मार्केट में टिका रहना है तो इसको जल्दी से जल्दी ये दो काम अब हो जाएंगे, तो ये कभी भी आपको अचानक से तेजी दिखाने के मूड में आएगा, ध्यान रखना। ये कभी भी वोडाफोन आइडिया आपको तेजी दिखा सकता है क्योंकि ये दो काम पर उसके बाद 5G की डेट ये बताएंगे, तो ये काम फिर दो पहले होने हैं जिस तरीके से बोला गया है। तो यहाँ पर एक साइकोलॉजी ये लग रही है कि ये धीरे 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 ही अपने वर्क को चला रहे हैं और उसको चलाने के लिए अक्षय मुद्रा जी ने CEO का पद संभाल लिया है, ये भी एक अच्छी बात है। और रविंदर ठक्कर जी बाहर नहीं हुए हैं, ये और अच्छी बात है क्योंकि उनको ज़्यादा नॉलेज हो रही है वोडाफोन आइडिया में। तो सारी परिस्थितियों को आपको ये देखना है कि डेट जब पता लगेगी, जब बैंक से बात और विभिन्न विक्रेताओं से 5G गियर की खरीद की बात हो रही होगी, हो जाएगी, उसके बाद ही 5G की डेट निकल कर आएगी। तो कहीं ना कहीं एक आस लगा के रखिए, वोडाफोन आइडिया आपको थोड़े से चमत्कारी तौर पर ज़रूर मिलेगा, ये मेरा इरादा नहीं, मन भी और दिल भी और साइकोलॉजी भी और जिस तरीके से न्यूज आ रही है वो भी हमें प्रेरित कर रही है। तो सर IDBI बैंक में कुछ दिनों तक हलचले होने वाली हैं, अगले महीने पहले बोली बोलने की उम्मीद जताई जा रही है, और TTML में जहां इतना गिरावट 130 लोगों ने 290 में खरीदा होगा उनको तो काफ़ी नुकसान हो रहा होगा, और आज जब वो 290 वाला 18 रुपये देख कर खुश हो रहा होगा तो मुझे नहीं लगता कि फिर वो मार्केट फिर इस तरह से खुश होना, तो फिर मुझे नहीं लगता कि हम इस काबिल हैं कि भाई हम मार्केट में काम कर सकते हैं।
तो उछाल तो चलेंगे सर, 100 ज्यादा होता है या सर 18 रुपए ज्यादा होता है, मुझे आप इतनी सी बात बता दो। तो सारी परिस्थितियों देखिए, विकास लाइफ केयर में किस्मत तो तब पलटेगी जब नीचे वाले ऊपर नहीं बेचेंगे, तभी पलटेंगी। तो छोटे शेयरों में अपने दिमाग से प्रॉफिट लीजिए। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।